प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं कि देश में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर सोच समझ के किया जाए, पर्यावरण का ध्यान दिया जाए और गुणवत्ता ध्यान रखी जाए और जिम्मेदारी तय करी जाए, तब तो समझ में आता है। वरना वही हश्र होता है जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज का हाल हुआ है। इसको बनाना शुरू किया गया दिसंबर 2016 में और इसका इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को। 21.8 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज, 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर धरती पर यानी कि लैंड पर, और इस पे 6 लेन। जानते हैं इसकी कीमत कितनी आई? 17,840 करोड़ का इसका कॉस्ट आया। और ये साउथ मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने का रास्ता, जब कहा जा रहा है कि 2 घंटे का जो सफ़र है इसके बीच का, वो 20 मिनट पे इस ब्रिज के द्वारा किया जा सकता है। इस पर जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको अलाउड नहीं है, मगर जो 4 व्हीलर हैं वो अलाउड हैं। तो 250 रुपये का टोल टैक्स आपको देना पड़ता है, और अगर आप 2-वे का लेते हैं तो 375 रुपीस का होता है रिटर्न जर्नी का, और साथ में अगर डेली का पास लेते हैं तो 650 रुपये और मंथली पास 12,500 रुपये। इस पर मैक्सिमम स्पीड आपकी 100 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, और कहा जा रहा है कि अब तक ये बताया गया था कि ये 12वां लॉन्गेस्ट सी ब्रिज पूरी दुनिया का है, तो हमारे देश का सबसे बड़ा सी ब्रिज हो गया। हांगकांग ज़ुहाई मकाओ ब्रिज चाइना का, वो सबसे बड़ा सी ब्रिज है 55 किलोमीटर का। और इस पर जैसा मैंने आपको बताया, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर ये सब अलाउड नहीं है, ये इस पर नहीं जा सकते। लेकिन अब इसका जब इनॉग्रेशन हुआ तो रश्मिका मंडाना जो फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया कि कितना बढ़िया ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है भारत सरकार और वगैरह वगैरह, और उनकी उस वीडियो को रीपोस्ट किया था प्रधानमंत्री जी ने भी। कहा जा रहा था कि इस ब्रिज में कैसे एडवांस फीचर्स हैं, वो ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, साथ में ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक स्पैन्स, जो पहली बार है क्योंकि इसमें जो सपोर्ट पिलर्स हैं जो शिपिंग रूट्स में रास्ते की बाधा बनते हैं, नीचे जो शिप्स जाते हैं वो भी नहीं है, और इसमें नॉइज़ और विजन बैरियर्स भी लगाए गए थे ताकि जो लोकल वाइल्ड लाइफ है और सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिल सके। लेकिन अब महाराष्ट्र के कांग्रेस चीफ नाना पटोले जी ने ये पूरा दिखाया जब कि इसमें किस तरह के क्रैक्स आ गए, तब सुनिए कि क्या हुआ। जो प्रोजेक्ट हेड है उनका नाम कैलाश गणात्रा है, और एमएमआरडी इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जो सर्विस रोड है, जो अप्रोच रोड है वो वहाँ पे है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, क्रैक्स हो रहे हैं, तो जहाँ से शुरू हुई वो तो आगे भी जाएगा। आपको याद कराती हूँ तेलंगाना का कालेश्वरम प्रोजेक्ट, उसमें कितनी बड़ी गड़बड़ हुई जब क्रैक्स आए और वो पूरा का पूरा जो एक हिस्सा जो है वो खिसक गया, तो उस पर अब ट्रैफिक रोक दिया गया। अब जो लोग इस ब्रिज पे चलते हैं, मतलब ये जो सबसे बड़ा सो कॉल्ड सी ब्रिज है MTHL यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इनको कितना खतरा है। लेकिन इस खतरे के बारे में सोचने के बजाय अब इसमें राजनीति करके इसे बचाने की कोशिश करी जाएगी, जबकि सिंपल सी बात है कि विपक्ष का काम होता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो वो आपको बताए। इसमें अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जिम्मेदारी तय करी जानी चाहिए, क्योंकि होता यह है कि जिस कंपनी को ये मिला होगा काम करने के लिए, वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देगी आगे, वो और आगे। अब NHAI किस तरीके से काम कर रहा है, पारदर्शिता तो कहीं पे भी नहीं है। अब ये पूरी बातें पता चले कि इस काम को कौन कर रहा था, उसने आगे किसको ये काम दिया और किसकी जवाबदेही सरकार तय कर रही है, ये जिम्मेदारी किसकी है,
ये कहा जा रहा है कि इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि गुणवत्ता तो साफ है, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि रोड में क्रैक्स किसकी मतलब जिस तरीके से आए हैं। अगर भारत का सबसे बड़ा ब्रिज वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया और वो भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया गया हो, तो उसमें अगर क्रैक आता है तो सवाल नहीं उठेंगे, सवाल आपको भी उठाने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी उनकी सुरक्षा से संबंधित है। अटल सेतु आखिर कैसे इस तरह से गुणवत्ता में कमी इसमें होने दी गई, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्र के ऊपर है। जी हाँ, समुद्र के ऊपर इसका ज़्यादा हिस्सा है। कमाल है ना। शायद ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी इस पर चले थे तो शायद दूसरों को तो चलना ही नहीं चाहिए था, वो ही बेहतर होता। उन्होंने इस पर अकेले चलकर फोटो खिंचाई थी, हमने सोचा कि गाड़ियां भी चल सकती हैं, गलती तो हमारी हुई ना।